हम लोगों का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है ना, इनवर्स वेरिएशन एंड डायरेक्ट वेरिएशन। इस वाले टॉपिक को हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर पहली एक्सरसाइज में जो ये सवाल नंबर 5 है, ये हम लोगों को आज की क्लास में क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो देखो, कभी भी कोई भी वर्ड प्रॉब्लम ये बोल के तो नहीं आएगा कि देख मैं 13.1 की एक्सरसाइज से आ रहा हूँ, हाँ ये वही एक्सरसाइज है वो डायरेक्ट वाली। कोई भी क्वेश्चन ये बोल के नहीं आएगा कि देख मैं 13.2 से आ रहा हूँ, अरे देख ये वही वाली एक्सरसाइज है वो याद कर, इनडायरेक्ट वाली है ना, ऐसा कभी नहीं आता है। सवाल आपको कैसे मिलते हैं? सवाल आपको मिलते हैं रैंडम, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ कहीं से भी पूछी जा सकती है, आपको ऐसे मिलते हैं सवाल। तो इसका मतलब ये कि सवाल में सबसे पहले ये आपको आइडेंटिफाई करना रहता है कि सवाल डायरेक्टली वाला है या सवाल इनडायरेक्टली वाला है। क्योंकि आप एक बार अगर उसको आइडेंटिफाई कर लोगे कि सवाल आपका डायरेक्टली वाला है या सवाल आपका इनडायरेक्ट वाला है, तो ऐसे केस में उस सवाल को फिर सॉल्व करना आपके लिए आसान रहेगा। इस तरीके की अप्रोच करना कि एक्सरसाइज को रट लिया कि इसमें ये सवाल डायरेक्ट वाले थे, ये सवाल इनडायरेक्ट वाले थे, अगर ये सवाल आता है तो मैं ये लिखूंगा, वो सवाल आता है तो मैं वो लिखूंगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी मत करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया एनलार्ज्ड 50,000 टाइम्स। अब तुम ये तो जानते हो कि ये जो बैक्टीरिया जैसी चीज़ें होती हैं कितनी छोटी मोटी होती हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, छोटी चीज़ों को हम अपनी नेकेड आइज से देख नहीं सकते। इसको देखने के लिए हम लोग पावरफुल माइक्रोस्कोप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उनके वाया हम इन चीज़ों को देखते हैं। तो वो यही बता रहा है कि हमने 50,000 टाइम्स क्या कर लिया है, उसकी फ़ोटो को बड़ा कर लिया है ना, और इतना बड़ा कर लिया कि उसकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। अरे डायग्राम मेरे क्वेश्चन में गिवन जो होना चाहिए था, खैर मैंने लिया नहीं है, जाने दो, मैं भूल गई। आगे बात करते हैं हम लोग इस वाले टॉपिक पे कि जो एक्चुअल लेंथ होनी चाहिए थी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब जो लेंथ बड़ा करने के बाद हम लोगों को मिली, वो लेंथ हम लोगों को कितनी मिली, वो लेंथ हम लोगों को मिली 5 सेंटीमीटर के आसपास। अच्छा, बोल रहे हैं कि बताओ एक्चुअल लेंथ बैक्टीरिया की क्या रही होगी, ठीक है, एक्चुअल लेंथ बैक्टीरिया की क्या रही होगी, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। अगर मान लेते हैं आपने फोटोग्राफ को 20,000 टाइम्स अगर आप लोगों ने एनलार्ज किया होता तो उस वक्त लेंथ क्या रही होती। तो उसने देखो तुम्हें टोटल यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करने को बोली है। पहली चीज़ तो उसको आप लोगों से इंटरेस्ट है ओरिजिनल लेंथ के बारे में, और दूसरा टॉपिक उसको तुमसे इस बारे में इंटरेस्ट है कि अगर आपने उसको 20,000 टाइम्स अगर आपने उसको क्या करके रखा है, एनलार्ज करके रखा है, तो उस सिचुएशन में फिर आप लोगों की लेंथ कितनी होगी। अब जैसे इसने आपसे पूछ लिया कि 20,000 टाइम्स मैं एनलार्ज कर रहा हूँ तो लेंथ कितनी है, कल को ज़रूरी नहीं 20,000 के लिए स्कूल टीचर क्वेश्चन पूछे, 100,000 टाइम्स एनलार्ज किया तो लेंथ कितनी है, ये भी वो आपसे पूछ सकती हैं, ठीक है, ये भी वो आपसे क्या कर सकती हैं, पूछ सकती हैं। तो इसलिए आपको सवाल रट्टा नहीं मारना है, आपको कंसेप्ट सीखना है। सबसे पहले तो अपना दिमाग दौड़ाओ कि यार ये डायरेक्ट का सवाल है कि इनडायरेक्ट का। देखो डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि किसी एक काम को करने से दूसरा काम अफेक्ट हो, और वो भी ऐसा अफेक्ट हो कि आपकी काम नंबर 1 की वैल्यू बढ़ रही है तो काम नंबर 2 की भी वैल्यू बढ़ रही है, और अगर काम नंबर 1 की वैल्यू घट रही है तो काम नंबर 2 की वैल्यू भी घट रही है, ये होता है मतलब, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल इमेजिन तुम अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या मार्क्स आएंगे, नहीं मैडम मार्क्स नहीं आएंगे। तो इसका मतलब काम नहीं करना और मार्क्स नहीं आना, काम नहीं किया मार्क्स नहीं आए, दिस इज नोन एज डायरेक्ट। मतलब जैसा जैसा क्वांटिटी नंबर 1 में होता है वैसा वैसा सेम आपको क्वांटिटी नंबर 2 में भी मिलता है। क्वांटिटी नंबर 1 की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो
तो क्वांटिटी नंबर टू की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर क्वांटिटी नंबर वन की वैल्यू घट रही है तो क्वांटिटी नंबर टू की वैल्यू भी घटेगी। सेम सेम टू सेम, जैसे मूवी में नहीं दिखाते हैं दो लोग होते हैं एक दूसरे के हमशक्ल, है ना, पहले वाले को अपन कुछ मारते हैं तो दूसरे वाले को भी दिखता है, उस पर भी असर होता है, राइट। तो वैसा ही मैं भी कुछ कह रही हूँ, है ना, क्वांटिटी नंबर वन को अगर आपने कुछ किया तो वही सेम इफेक्ट आपको क्वांटिटी नंबर टू में भी देखने को मिलेगा। डन, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो तुम बताओ, इमेजिन करो, तुम अगर माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करोगे, एनलार्ज का मतलब होता है जूम करना, ठीक है, एनलार्ज का मतलब क्या होता है, जूम करना। तो अगर तुम एनलार्ज करोगे तो एनलार्ज करने से साइज यानी कि उसका लेंथ बढ़ेगा कि लेंथ घटेगा? तो तुमने मुझे जवाब दिया, मैडम अगर हम लोग एनलार्ज करेंगे तो साइज बढ़ेगा, यानी कि अगर आप एनलार्ज करते हो, है ना, आप ज़्यादा जूम करते हो तो आपको साइज भी कैसा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। यानी कि आप पहली वाली क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरी वाली क्वांटिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज ही हो जाएगी। पहली वाली क्वांटिटी अगर आपकी इंक्रीज होगी तो दूसरी वाली क्वांटिटी भी क्या होगी, आप लोगों की इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर सवाल कौन सा है, इसका मतलब ये पर्टिकुलर सवाल आप लोगों के डायरेक्ट वेरिएशन का है ना, बराबर। आप एक क्वांटिटी को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। सो देयरफॉर दिस इज़ अ सवाल ऑफ व्हाट, आप लोगों का डायरेक्ट वेरिएशन। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, ठीक है, कि लेंथ किसकी, भाई बैक्टीरिया की, ठीक है, जो बैक्टीरिया है आप लोगों के पास उस बैक्टीरिया की लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनलार्जमेंट के, है ना। जितना ज़्यादा आप एनलार्जमेंट करोगे वो चीज़ क्या होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी आप लोगों की, क्या होगी, आपको बड़ी दिखेगी, राइट, आपको उतनी बड़ी दिखेगी। ये डायरेक्ट वेरिएशन का सवाल है। दोनों क्वांटिटीज़ क्या हैं, दोनों क्वांटिटीज़ क्या हैं आप लोगों की, एक दूसरे पे डायरेक्टली डिपेंड करती हैं। अच्छा चलो ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि मैंने 50,000 टाइम्स क्या किया, उस बैक्टीरिया को एनलार्ज किया तो जाके मुझको वो बैक्टीरिया की लेंथ कितनी दिख रही है, 50,000 टाइम्स दिख रही है। तो देखो, ये जो भी सवाल होते हैं आप लोगों के डायरेक्ट वेरिएशन के, या फिर आप लोगों के जो सवाल होते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन के, इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, इन्हें सॉल्व करने का अप्रोच कुछ इस प्रकार से रहता है कि हम ऐसे दो कॉलम्स बनाते हैं, एक कॉलम की हेडिंग देते हैं आप लोगों का एनलार्जमेंट। क्यों यहाँ पे एक कॉलम की हेडिंग दी एनलार्जमेंट, क्योंकि एनलार्जमेंट वाला टॉपिक है, और दूसरे वाले कॉलम की हेडिंग क्या देंगे हम लोग, लेंथ, बराबर। अब ध्यान से क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो, अच्छा लेंथ की यूनिट यहाँ पे लिखना ना भूलें, सेंटीमीटर। जब आपको क्वेश्चन में बोला है कि एनलार्जमेंट 50,000 टाइम्स था तो जाके लेंथ 5 सेंटीमीटर थी, ऐसा आपको अपना दो डेटा यहाँ पे लिख देना है, बराबर। आप लोगों का ऐसा दो डेटा आपका क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब वाला क्वेश्चन वाला ये पूछ रहा है कि भाई एक बात बता, ओरिजिनल लेंथ क्या है। क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि भैया ये बता ओरिजिनल लेंथ क्या है। ओरिजिनल लेंथ का मतलब क्या होता है मैडम, ये ओरिजिनल लेंथ का मतलब ये होता है, एक्चुअल लेंथ का मतलब ये होता है कि जब मैंने माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल नहीं किया, जब मैंने थोड़ा भी एनलार्ज नहीं किया, मैं कुछ भी एनलार्ज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी एनलार्ज नहीं कर रहा हूँ, तो एनलार्ज कुछ भी नहीं करने का मतलब एनलार्जमेंट इज़ वन, ठीक है, कुछ नहीं करना मतलब वन, तो उस वक्त लेंथ कितनी होगी, लेट अस से उस वक्त लेंथ होगी एक्स। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको क्रिस क्रॉस कर देना है, ठीक है, आपका आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू 5। सो देयरफॉर अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूँ बेसिक मैथमेटिक्स को यूज़ करके, तो 5/50,000 आ जाएगा। अगर मैं काटूँ तो ये देखो 5 1 और ये, अभी अभी हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाला चैप्टर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, हाँ मैडम पढ़ा है। तो ये नीचे में क्योंकि 4 0 हैं, इसे 10^4 लिख सकते हैं, 10^4 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 10^-4 बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर। सो यहाँ से आ गई एक्स की वैल्यू। सो आप यहाँ से लिख सकते हो कि देयरफॉर
जो बैक्टीरिया था उसकी जो एक्चुअल लेंथ थी वो एक्चुअल लेंथ कितनी थी आप लोगों की, एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज 1 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे मतलब ये जो डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन वाले सवाल होते हैं, इनमें हमेशा ऐसा चार्ट बना लिया करो, क्वेश्चन को ठीक से रीड किया करो और ठीक से रीड करने के बाद डेटा डाला करो, क्रिस क्रॉस करो, आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखो क्वेश्चन वाला ये पूछ रहा है कि अगर मैं एनलार्जमेंट 20,000 टाइम्स करता, मतलब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन एक पार्ट में कंप्लीट नहीं हुआ है, ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि अगर एनलार्जमेंट 20,000 टाइम्स करता, 20,000 टाइम्स, तो मेरा आंसर क्या होता। तो अगेन उसी के लिए वही सेम कहानी, आपको अगेन क्या करना है, दो कॉलम्स बनाने, एक कॉलम की हेडिंग दे देनी है एनलार्जमेंट और दूसरे कॉलम की हेडिंग क्या दे देनी है, लेंथ, जिसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। अब वो बोल रहा है कि एनलार्जमेंट मैं कितना करूं, मतलब देखो स्टार्टिंग में जब एनलार्जमेंट 50,000 किया गया था तब आपकी लेंथ निकल के आई थी कितनी, 5। अब आप लोगों ने एनलार्जमेंट कितना करने को बोल रहे हो, अब बोल रहे हो कि एनलार्जमेंट 20,000 कर दो तो लेंथ कितनी आएगी, तो मान लेते हैं लेंथ आएगी एक्स। कुछ नहीं करना है, क्या करना है मैडम, क्रिस क्रॉस करना है, बस कर लो क्रिस क्रॉस, फिर खुशी खुशी क्या हो जाएगा, 5 × आपका 20। ये ऐसे अगर मैं एक्स को वहीं रखूं, ठीक है, और आपकी जो बाकी क्वांटिटीज़ है अगर मैं इनको शिफ्ट कर दूं, ऐसा 50,000 क्या हो जाएगा, देखो ये ऊपर के 3 ज़ीरो नीचे के 3 ज़ीरो कट गए, ऊपर का 1 ज़ीरो नीचे का 1 ज़ीरो कट गया, 5 कट गया, 5 कट गया, सो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऊपर में क्या बचा, 2 बचा। इसका मतलब जब हम लोग एनलार्जमेंट को 20,000 कर देंगे तब जाके हमारी लेंथ कितनी आएगी, हम लोगों की नई वाली लेंथ कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर, है ना, द एनलार्ज्ड लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। तो आपको जो भी सवाल होते हैं ये इस टाइप के वेरिएशन वाले, इनमें हमेशा सवाल में ये ढूंढना पड़ता है कि भाई इस पर्टिकुलर सवाल में मुझको इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दी गई है, ताकि इस तरीके से मैं उनका चार्ट बना सकूं, फिर प्रॉपर जगहों पे प्रॉपर तरीके से वैल्यूज पुट करनी पड़ती हैं, क्रिस क्रॉस करना पड़ता है, आंसर आ जाता है। कोई कठिन सवाल था क्या भाई, बिल्कुल भी नहीं था। तो इस तरीके से 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है यह हम लोगों का होता है समाप्त। अब इसी 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसकी तरफ आते हैं, ये भी बहुत आसान है, मैं बता रही हूँ सारे सवाल आसान है, बट सवाल को देखते बराबर आपको पहले ये सोचना है कि यार उस पर्टिकुलर सवाल में हम लोगों को क्या कहते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन दिया गया है या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन दिया गया है, पहले आपको ये सोचना है, ठीक है। जब आप ये सोच लोगे, कन्फर्म हो जाओगे, तब देखना सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा, कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है, क्रॉस क्रॉस करना है, बस खत्म। तो देखो यहाँ पे एक मॉडल ऑफ शिप के बारे में बात हो रही है, जैसे कि जब आप किसी को गिफ्ट आइटम देते हो, गिफ्ट आइटम देने के लिए आप गिफ्ट शॉप में जाते हो, आप देखते हो कि वहाँ पर एक छोटे छोटे ताजमहल बने हुए रखे हैं, या छोटा छोटा एफिल टावर बना हुआ रखा है, समथिंग समथिंग लाइक दैट, है ना। अगर मैं तुमसे ये कहूँ क्या वो एफिल टावर असली लेंथ ब्रेथ हाइट वाला है क्या, तो बोलोगे नहीं मैडम ये उसके जैसा दिखता है, लेकिन ये जो एक्चुअल में एफिल टावर की लेंथ है तो इतना ऊंचा है यार, इतना ऊंचा एफिल टावर की लेंथ यहाँ थोड़ी ना है, यहाँ तो उन्होंने अपने हिसाब से एक छोटा सा मॉडल उन्होंने बना दिया। तो वैसे ही वो यहाँ बता रहे हैं कि एक मॉडल है शिप का, मतलब असली शिप नहीं है, एक नकली शिप है, जिसकी हाइट 9 सेंटीमीटर है बराबर, और जो एक्चुअल शिप था, जो एक्चुअल शिप था उसकी हाइट कितनी थी, 12 मीटर। अगेन देखो गेम खेल गया वो आपके साथ, एक यूनिट आपकी सेंटीमीटर में और एक यूनिट आप लोगों की मीटर में, चलता क्या ऐसा, नहीं चलता, या तो दोनों के दोनों सेंटीमीटर में होने को होना, या तो दोनों के दोनों मीटर में होने को होना, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर इस तरीके से नहीं होता। खैर अब वो बोल रहा है
कि जो लेंथ ऑफ द शिप है, मतलब जो एक्चुअल शिप है, उसकी लंबाई थी 28 मीटर। ठीक है, अब मुझे बताओ जो मैं मॉडल शिप बनाऊंगा उस मॉडल शिप की मैं लेंथ कितनी रखूं? ठीक है, उस मॉडल शिप की लेंथ मैं कितनी रखूं? तो सबसे पहले तो हमको समझ में आ गया कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो चीज़ों के बारे में बातचीत हो रही है। एक बातचीत हो रही है हाइट के बारे में और दूसरी बातचीत हो रही है किसके बारे में, आप लोगों के लेंथ के बारे में। हाइट की थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है, उसको ठीक कर लेना प्लीज़। अच्छा, और लेंथ के बारे में बात हो रही है। अब बात दो लोगों के बारे में हो रही है, एक एक्चुअल शिप के बारे में हो रही है और एक मॉडल शिप के बारे में हो रही है। आपको एक्चुअल शिप का जो जो डेटा पता है आप वहाँ वो डेटा यहाँ लिख दो। मैडम पहले एक्चुअल का लिखें कि पहले मॉडल का लिखें, आपकी मर्जी, कोई भी लिख दो। ठीक है, तो देखो एक्चुअल शिप का जो हाइट दिया है मुझको वो 12 मीटर दिया है। मैं उसको सेंटीमीटर में रखूँगी तो कितना हो जाएगा, 120 मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना आता है? हाँ मैडम आता है। तो यहाँ पे नहीं लगता कि 20 आएंगे? हाँ 20 आएंगे। ठीक है, एक्चुअल शिप की जो लेंथ है क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 28 मीटर, यानी कि इतना सेंटीमीटर। अब बात करते हैं मॉडल शिप की, नकली का शिप। तो जो नकली का शिप है उसकी हाइट है 9 सेंटीमीटर। नकली वाले शिप की हाइट, तो ध्यान रखना हाइट के नीचे हाइट लिखना, तो ये 9। अब उस नकली वाले शिप का आपको लेंथ तो दिया नहीं है, तो उसके लेंथ को हमने क्या ले लिया, एक्स। अब क्या करें, क्रिस क्रॉस कर लो, यानी कि 1200 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू 2800 मल्टीप्लाई बाय 9। अच्छा, अब क्या करें, कुछ नहीं, एक्स की वैल्यू निकालो, 2800 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन में 1200, ये दोनों जीरो देखो कट गए, है ना। ये हो जाएगा 4 7 और ये हो जाएगा 4 3 3 1 3 3 ऊपर 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। यानी कि जो आप मतलब मॉडल वाला जो शिप बनाओगे ना उसकी जो लेंथ आप रखोगे, द लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज कितनी रहेगी, वो आप लोगों की 21 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, ऐसे बस कुछ नहीं करना होता है, क्वेश्चन को ठीक से रीड करना होता है, ये आइडेंटिफाई करना होता है कि डेटा किन दो लोगों के बारे में है। जिन दो लोगों के बारे में डेटा होता है उन दो लोगों का कॉलम बना के प्रॉपर तरीके से वैल्यू पुट करनी होती है। हाँ, यूनिट अलग अलग मत कर देना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अच्छा चलो मैडम, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चलो देखते हैं। बोल रहा है कि एक मशीन है सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री के अंदर जो कि 840 बॉटल्स फिल करती है 6 आवर्स में, मतलब अगर आप उसको 6 घंटे दोगे तो आपको 840 बॉटल्स फिल करके मिल जाएंगी। और लेकिन अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर 5 आवर्स दोगे तो बॉटल क्या करेगी, कितनी भरेगी, वो ये पूछ रहा है। अब देखो एक कॉमन सेंस का सवाल है, अब मशीन ह्यूमन तो है नहीं, बराबर। जैसे कई बार तुम्हारा मन करता है आज ज़्यादा पढ़ लेता हूँ, जो कि बहुत ही रेयर है, तो जिस दिन तुम्हारा मन करता है कि चलो ज़्यादा पढ़ लेता हूँ उस दिन तुम लोग क्या करते हो, खूब मेहनत करके अच्छी अच्छी पढ़ाई करते हो। और किसी दिन तुम्हारा मन नहीं करता है तो 4-4 घंटे तुम पढ़ते भी नहीं हो। तो ह्यूमंस कैसे होते हैं कि किसी दिन मन करेगा तो कम समय में भी बहुत काम कर लेंगे और जैसे मन नहीं करेगा उस दिन ज़्यादा समय में भी काम नहीं करेंगे। लेकिन मशीनों का ऐसा नहीं है, मशीनें बड़ी पिक्यूलर रहती हैं अपनी चीज़ों को लेकर, उनका ऐसा मूड स्विंग्स नहीं होते। अगर कोई मशीन सर्टेन टाइम में सर्टेन काम करती है तो अगर आप उस मशीन को ज़्यादा वक्त दोगे तो ऑब्वियस है कि वो ज़्यादा अच्छा काम करेगी, ज़्यादा और काम करेगी, कम वक्त दोगे तो कम काम करेगी, है ना। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि जो नंबर ऑफ बॉटल्स आप क्या कर रहे हो, फिल कर रहे हो, राइट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, बराबर। जितना ज़्यादा टाइम दोगे बॉटल उतनी ज़्यादा, जितना कम टाइम दोगे बॉटल उतनी कम, मतलब जैसा जैसा टाइम बढ़ रहा है नंबर ऑफ बॉटल भी बढ़ रहा है।
जैसे जैसे टाइम घट रहा है नंबर ऑफ बॉटल भी घट रहा है, सो दे आर इन डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ ईच अदर. हम चार्ट बनाएंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो लोगों के बारे में बातचीत हो रही है, एक बात हो रही है किसके बारे में, नंबर ऑफ बॉटल्स के बारे में, और दूसरी बातचीत हो रही है किसके बारे में, टाइम के बारे में. तो अभी राइट नाउ आपके पास क्वेश्चन में बोला गया है कि 840 बॉटल्स आपको भरनी है और इसके लिए टाइम दिया गया है 6 आवर्स. अच्छा ध्यान रखना यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूनिट्स अलग होती हैं प्रीवियस सवाल के जैसे, तो गड़बड़ हो जाती है ना. अच्छा अब बोल रहा है कि अगर मैं आपको 5 घंटे दूँ तो आप कितनी बॉटल्स भरोगे, तो 5 घंटे को हम टाइम वाले कॉलम में डाल देंगे और नंबर ऑफ बॉटल्स आप कितनी भरेंगे एक्स. फिर आप क्या करना है, कुछ नहीं मैडम, बैठे रहो, क्रिस क्रॉस करो बड़े मज़े से. तो ये देखो मैंने क्रिस क्रॉस किया, फिर क्या होगा, आप 6 को उठाओ और डिवाइड में लेकर आ जाओ, ये लेकर आ गए तो एक्स आ जाएगा. देखो कुछ कटता है क्या, कुछ कटता है तो काटो, तो बिल्कुल कटता है. 6 वन ज़ा 6 वन ज़ा 6 फोर ज़ा और ये 0, यानी कि यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों की 700. एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 700. ठीक है, इसका मतलब 5 घंटे में आप लोगों की 700 बॉटल्स क्या होंगी, फिल होंगी. ठीक है, विल बी फिल्ड इन आपका 5 आवर्स. 5 घंटे लगेंगे आपको बॉटल्स को क्या करने में, फिल करने में. कितना प्यारा सवाल है, सिर्फ क्वेश्चन रीड करना है और वहाँ पे जाके आपको सिर्फ वैल्यू डालनी है प्रॉपर जगह पे, टाइम के नीचे टाइम वाली वैल्यू है ना, और उसके अलावा आपके क्या कहते हैं इसे क्विक सेंटीमीटर की जगह सेंटीमीटर की वैल्यू, वैल्यू पुट करने में आप किसी प्रकार का कोई गड़बड़ ना करें तो आपके लिए सब बढ़िया है, एकदम बढ़िया 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 है. अगर आपने हाँ वैल्यू गलत पुट कर दी, मतलब टाइम वाला कॉलम राइट साइड है और आप वैल्यू लेफ्ट साइड पुट कर दोगे तो डेफिनेटली गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए आपसे. अब देखो इस टाइप के जो सवाल होते हैं इनको सॉल्व करवाने के अलग 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 टीचर्स के अलग 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 तरीके होते हैं. कई लोग चार्ट बनवाते ही नहीं है, तो आपको वो नहीं देखना है, अरे मैडम देखिए वो चार्ट नहीं बनवाती थी आप चार्ट बनवा रहे हैं. तुम्हें जो ठीक लगता है, तुम्हें अगर किसी और का तरीका अच्छा लगता है तुम वो करो, इट डजेंट मैटर्स. थिंग दैट मैटर्स इज कि आपका आंसर आना चाहिए. ठीक है, अब देखो जो बाकी के सवाल हैं 7 to 10, मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 बताया, अब जो 7, 8, 9, 10 वाले सवाल हैं ये सवाल भी बेसिकली आपके वैसे ही हैं जैसे अभी मैंने क्या बताया आपको 4, 5, 6. एक बार मैं तुमको 7, 8, 9, 10 को किस तरीके से सॉल्व करना है इन शॉर्ट इसे बता देती हूँ, प्रॉपर तरीके से इसकी लास्ट लाइन वगैरह लिख लुखा कर बाद में इसके जो नोट्स हैं वो तुम मुझको अलग से बना के दोगे प्रॉपर तरीके से लिख के. बट एक बार मैं इन जनरल बता देती हूँ कि इन सवालों को आखिर अप्रोच कैसे करना है. ठीक है, इनकी अप्रोच को देख लेते हैं. अच्छा देखो कहाँ गए, ये रहा हमारा सवाल 7 to 10. देखो क्या हुआ इसमें, बोल रहा है कि मान के चलिए आपके पास 2 kg शुगर है और उसमें इतने दाने हैं, मतलब 9 × 10^6 दाने उसके अंदर हैं. सवाल पूछ रहा है कि अगर 5 kg शुगर होती तो कितने दाने होते. फिर एक बार उसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट पूछ रहा है कि अगर 1.2 kg शुगर होती तो हमारे पास कितने दाने होते. तो एक ही सवाल में, ये उसी के जैसा सवाल है, वो जो कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया वाला सवाल नहीं था, बस ये वैसे ही सवाल है. तो एक सवाल में अगर आपको 2 सब पार्ट्स भी दिए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैडम इसके लिए 2 अलग अलग तरीके होंगे, तरीका एक रहेगा, बस चार्ट 2 बार बनेंगे. सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करिए कि आपके सवाल में किन चीज़ों के बारे में बातचीत की जा रही है. तो आप बोलोगे कि मैडम सवाल नंबर 7 में एक बातचीत की जा रही है शुगर के वेट के बारे में. ध्यान रखना जो केजी है ना ये वेट की यूनिट होती है, ठीक है. और जो आपका दूसरा सवाल है इसमें बात की जा रही है नंबर ऑफ क्रिस्टल्स के बारे में, ठीक है, कि इतने क्रिस्टल्स हैं उतने क्रिस्टल्स हैं.
तो अगर मैं इसके पहले पार्ट को सॉल्व करूं, ठीक है, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग इट्स फर्स्ट पार्ट, तो पहले तो आप ये देखो कि आपके पास गिवन क्या है. गिवन ये है कि अगर मेरे पास 2 किलो शक्कर है, तो वेट की जगह लिखेंगे 2 किलो, तो उसके पास इतने क्रिस्टल्स होंगे, 9 × 10^6 क्रिस्टल्स होंगे. फिर बोल रहा है नेक्स्ट में कि कितने शुगर क्रिस्टल्स रहे होंगे अगर वेट 5 kg. अभी भूल जाओ ये 1.2 kg को, अभी भूल जाओ, वो एक अलग पार्ट है, उसको एक अलग तरीके से सॉल्व करना है. फिलहाल अभी आप 5 kg पे कंसंट्रेट करो. वो ये पूछ रहा है कि अगर आपके पास 5 kg होता, तो वेट की जगह हम 5 लिखेंगे और नंबर ऑफ क्रिस्टल्स की जगह एक्स डाल देंगे, और फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं मैडम, उठा के क्रिस क्रॉस कर देंगे. आपको आपके एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि आपको ये पता चल जाएगा कि अगर 5 किलो शक्कर होती, तो उस 5 किलो शक्कर में इतने क्रिस्टल्स होती. खत्म. यही सेम टेक्निक तुम्हें 1.2 के लिए भी यूज़ करनी है, राइट, सेकेंड पार्ट के लिए. जो गिवन फर्स्ट पार्ट के लिए था, फर्स्ट पार्ट के लिए गिवन क्या था कि वेट 2 kg रहेगा और नंबर ऑफ क्रिस्टल्स 9 × 10^6 रहेंगे. वही सेम गिवन अभी आपके सेकेंड पार्ट के लिए भी रहेगा, लेकिन सेकेंड पार्ट में अब आपको शुगर कितने किलो लेनी है? 1.2 लेनी है, यानी कि यहाँ पे वेट हो जाएगा 1.2. तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितनी रहेंगी? नंबर ऑफ क्रिस्टल्स आपके पास एक्स रहेंगी. नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितनी रहेंगी? नंबर ऑफ क्रिस्टल्स एक्स रहेंगी. क्रिस क्रॉस करो, आंसर आ जाता है. ये सवाल को मैंने इतना स्लोली इसलिए बताया क्योंकि पता है कई बार स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये 5 kg और ये 1.2 kg वाली जो इन्फॉर्मेशन है, इन्हें साथ साथ यूज़ करना है. मतलब यहाँ 5 kg लिख देते हैं, यहाँ 1.2 लिख देते हैं, बोलते हैं मैडम अब इसमें एक्स किसको लें. भाई वो दोनों को अलग तरीके से सॉल्व करना है. गिवन दोनों का एक ही है, बट दोनों के लिए अलग अलग चार्ट्स बनेंगे, ठीक है? तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 7 आराम से बना लोगे, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, ठीक है? चले नेक्स्ट सवाल की तरफ. ठीक है मैडम, अब नेक्स्ट सवाल में आते हैं. भाई रश्मि का सवाल है. अब देखो होता कैसा है, ज्योग्राफी पढ़ते तो हो आप लोग, ज्योग्राफी में आप वर्ल्ड का मैप देखते हो, इंडिया का मैप देखते हो, जिस स्टेट में आप रह रहे हो आप उस स्टेट का मैप भी देखते हो. मान लेते हैं आपके पास एक इंडिया का मैप है, इंडिया कंट्री की शेप मैप के ऊपर बहुत ही सुंदर है, ठीक है, खैर एक इंडिया का मैप है, लेट्स सी. तो इंडिया का मैप आपको जैसा दिखता है आपके कॉपी के पन्ने के बराबर होता है, तो क्या एक्चुअल में इंडिया कंट्री एक कॉपी के पन्ने के बराबर की है क्या? इंडिया इज़ वेरी वास्ट, है ना, कॉपी के पन्ने के बराबर की बिल्कुल ना है. पता नहीं कितने कॉपी के पन्ने आपस में जोड़ने पड़ेंगे कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक, तब जाके इंडिया की सिर्फ एक लेंथ कवर होगी. तो कॉपी के पन्नों में हम उसका एक छोटा सा उसका एक शेप बनाते हैं. जैसे आप लोग ड्राइंग करते हो, ड्राइंग में मान लेते हैं तुमने बनाया हाथी, तो क्या तुम्हारी ड्राइंग बुक में जितना बड़ा हाथी तुम बनाते हो, क्या एक्चुअल में हाथी से उतना ही बड़ा होता है? हाथी तो एक्चुअल में कितना बड़ा होता है? तो वैसे ही रश्मि के पास एक रोड मैप है जिसमें रश्मि बताती है 1 cm का मतलब होता है 18 kilometers, ठीक है. 1 cm का मतलब क्या होता है? 18 kilometers, ठीक है, अच्छी बात है, 18 kilometers है उसका, ठीक है. अब वो बोल रही है कि वो चलते 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 72 kilometers चली गई. बराबर बराबर रश्मि के पास जो मैप है, अकॉर्डिंग टू रश्मि मैप 1 cm का मतलब होता है 18 kilometers. ऐसे ड्राइव करते 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 रश्मि 72 kilometers क्या हो गई? चली गई. अब जब रश्मि 72 kilometers चली गई, तो रश्मि ने सोचा कि ये 72 kilometers तो मैं एक्चुअल रोड पे चली हूँ, मैप के अकॉर्डिंग मैं कितना चली जरा बताओ तो सही. बराबर मैप के अकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर मैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल मैंने किया है. तो इसमें आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे दो डेटा कौन से हैं. तो देखो एक डेटा स्केल वाला है और एक डेटा डिस्टेंस वाला है, मतलब एक मैप वाला डेटा है और एक रोड वाला डेटा है.
मैप में चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, रोड में चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर, ठीक है। तो रश्मि के सवाल में, दैट इज सवाल नंबर कौन सा है, 8, सवाल नंबर 8 में दो प्रकार के डेटाज हैं। एक है स्केल मैप, मैप स्केल ऑन मैप, जो कि किस में है, सेंटीमीटर में है, और जो दूसरा डेटा है वो डिस्टेंस के टर्म्स में है, डिस्टेंस में कौन सा, किलोमीटर। रश्मि कहती है कि जब मैं 1 सेंटीमीटर देखती हूँ मेरे मैप में, तो मेरा 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर्स के बराबर होता है। यानी कि रश्मि को गिवन डेटा क्या दिया है कि स्केल का 1 सेंटीमीटर उसके डिस्टेंस के 18 के बराबर है। अब रश्मि ने ऐसे ही चलते 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 72 किलोमीटर्स वो आगे चली गई, ठीक है। यानी कि अब रश्मि ने डिस्टेंस किलोमीटर्स के टर्म्स में कितना ट्रैवल कर लिया है, 72। तो क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि मैप में जब वो देखती है कि मैप के अकॉर्डिंग मैं कितना सेंटीमीटर चली, तो हमने उसको क्या मान लिया, एक्स। अब तुम क्रिस क्रॉस कर लो, तुम्हारे पास तुम्हारे एक्स की वैल्यू आ जाएगी और तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप का जो ये चैप्टर मैं बता रही हूँ, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, सबसे आसान चैप्टर है। इसको मतलब प्रैक्टिस करना दुनिया का सबसे आसान कार्य है, सबसे आसान कार्य। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, ये थोड़ा सा ज़रूरी है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें यूनिट्स अलग अलग हैं। बोल रहा है कि एक पोल है, पोल का मतलब समझते हो, खम्बा, एक खम्बा है लाइट का, उसकी पोल की हाइट आपको दी है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। अब जो पोल है, जैसे कि तुम जानते हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट शैडो क्रिएट करता है, यू नो, यस मैडम वी नो। तो जो ऑब्जेक्ट है जब वो शैडो क्रिएट करता है भाई, तो तुम्हें नहीं लगता कि उस पर्टिकुलर शैडो की भी कुछ लेंथ वगैरह रहती होगी? तुम बोलोगे हाँ मैडम, शैडो की भी लेंथ वगैरह तो रहती है, बिल्कुल रहती है, क्यों नहीं रहेगी, ठीक है। तो शैडो की जो लेंथ है, क्वेश्चन वाले ने कहा है कि 3 मीटर 20 सेंटीमीटर की है। शैडो की लेंथ कितनी है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर की शैडो की जो है लेंथ है। अब वो बोल रहा है, देखो, अब अगेन इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स आ गए, पहला पार्ट दूसरा पार्ट। अब तुम ना भूल जाओ कि दूसरा पार्ट दिया है, कई बार ना ये दूसरा पार्ट देख के तुम्हें कन्फ्यूजन हो जाता है, तुम भूल जाओ कि तुम्हें दूसरा पार्ट दिया है, पहले तो भगाओ इस दूसरे पार्ट को, ठीक है मैडम एक ही पार्ट दिया है, पूरा फोकस अपने एक पार्ट पे करो, ठीक है। और अब अपना दिमाग लगाओ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किस डेटा के बारे में बातचीत हो रही है। तो एक बातचीत हो रही है पोल की हाइट को लेकर, और दूसरी बातचीत हो रही है किसको लेकर, आप लोगों के शैडो की लेंथ को लेकर, ठीक है। एक बातचीत हो रही है शैडो के बारे में, एक बातचीत हो रही है पोल की हाइट के बारे में। अब देखो, गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो पोल है उसकी हाइट है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। डंकी के जैसे यहाँ पे 5 मीटर 60 सेंटीमीटर मत लिख देना, ऐसा कभी नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से लिखना। जब तुम फेयर करोगे ना इस काम को, हाइट ऑफ पोल इज इक्वल्स टू 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो देखो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है। जब तुम छोटे छोटे बच्चे थे, KG-1 में थे, तुम्हारी बुक में इस टाइप के कन्वर्जन्स थे, 5 मीटर का मतलब होता है 500 सेंटीमीटर, और इसमें हम लोग 60 सेंटीमीटर ऐड करेंगे, सो आंसर विल बी 560। यानी कि पोल की हाइट आपको दी है 560 सेंटीमीटर। एक यूनिट मीटर में, एक यूनिट सेंटीमीटर में ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। अच्छा ओके, अब देखो जो शैडो है, शैडो आपको कितनी दी है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी कि 3 मीटर 20 सेंटीमीटर की मेरी शैडो है, 3 मीटर का मतलब होता है 320, इसमें ऐड कर लेंगे दैट विल बी 320, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 320 बराबर, ठीक है मैडम। ये क्वेश्चन का गिवन है कि भैया दो लोगों के बारे में बात हो रही है, पोल की हाइट के बारे में बात हो रही है, शैडो के बारे में बात हो रही है, पोल की हाइट इतनी, शैडो की हाइट इतनी। अब इसी क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो देखो क्या बोलता है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहता है कि जो शैडो है
एक अनादर पोल की, एक दूसरे पोल की, ठीक है, वो आपको निकालनी है, वो कितनी होगी अगर उस दूसरे पोल की जो हाइट है वो हाइट आपको दी है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब मैं बता दूं इस पर्टिकुलर सवाल में स्टूडेंट से गलती क्या होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो आपका क्या कहते हैं 10 मीटर 50 सेंटीमीटर वाली जो वैल्यू है वो वैल्यू उनके शैडो की वैल्यू दी हुई है। नहीं, उसने हाई वर्ड बोला है, इसका मतलब वो उस सेकेंड पोल की हाइट दे रहा है। उन्हें लगता है कि ये शैडो की वैल्यू है, और जब उन्हें लगता है कि ये शैडो की वैल्यू है तो वो गलत जगह जाके चीज़ें पुट कर देते हैं, फिर क्रिस्क्रॉस करते हैं, ऑब्वियस से क्या आंसर तो गलत ही आएगा, है ना। फिर ठीक है मैडम, आगे बढ़े, ओके बढ़िया, आप आगे। अब बोल रहा है 10 मीटर, यानी कि मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, ठीक है करेंगे, ओके 10 मीटर से जब आप सेंटीमीटर में जाएंगे तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी आप लोगों की, इतना सेंटीमीटर, इसमें आप 50 ऐड करेंगे तो 1050 सेंटीमीटर। तो ये पोल की हाइट है 1050। अब आप यहाँ पे शैडो को एक्स ले लीजिए और पता लगा लीजिए कि शैडो कितनी लंबी बनी, ठीक है ख़त्म। तो इस सवाल में सिर्फ दो ग्लिच पॉइंट्स हैं, पहला आप कन्वर्जन करने में गड़बड़ कर सकते हैं, दूसरा आप जो फर्स्ट डेटा में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है आपको ऐसा लगेगा कि वो शैडो की हाइट की इन्फॉर्मेशन है और आप उसे हाइट समझ के काम कर लेंगे, बस आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सवाल, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2, जिसे आपको अलग से एक और चार्ट बना के सॉल्व करना है। क्या बोल रहा है कि हाइट ऑफ अ पोल विच कास्ट अ शैडो 5 मीटर लॉन्ग। अब ध्यान से सुनना, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि उस पोल की हाइट निकालो जो कि 5 मीटर लंबी शैडो बनाकर देता है। तो आपकी जो लैंग्वेज है ना क्वेश्चन में, हाइट क्या है, शैडो की लेंथ कौन है, ये आपको क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आपको क्लियर है ना तो ही आपसे सवाल बनेंगे, अदरवाइज आपसे सवाल नहीं बनेंगे। आपको अभी क्या बोल रहा है कि 5 मीटर लॉन्ग शैडो के बारे में बातचीत हो रही है, यानी कि 500 सेंटीमीटर। तो इस बार इसके सेकेंड पार्ट में आपको शैडो 500 दी है और आपको पोल की हाइट यानी कि एक्स इस बार ये कैलकुलेट करनी है। मुझे ऐसा लगता है क्रिस क्रॉस कर लो कि आंसर आ जाएगा, बिल्कुल मैडम आ जाएगा। देखो मैं स्टेटमेंट्स लिख कर नहीं दे रही हूँ, जैसे मैंने कुछ स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग के 3 सवाल को मैंने प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट वेटमेंट लिखवाया ना, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के नहीं दे रही हूँ, ओके ठीक है ना, मैं स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ। तो वो स्टेटमेंट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नहीं लिखना है, अभी जब आप मुझे फेयर काम करके देंगे तो एक एक सवाल के बाद जब पूरा देख लोगे वीडियो, तो एक एक सवाल को प्रॉपर स्टेटमेंट्स के साथ अच्छे से फेयर करके देना है, ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन करवाए थे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में, बोल रहा है कि आपके पास एक लोडेड ट्रक है, ओके, जो कि 14 किलोमीटर्स ट्रैवल किया है 25 मिनट में, ओके। तो यहाँ पे इतने ही क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझको ये समझ में आ गया कि दो चीज़ों के बारे में बातचीत की जा रही है, एक डिस्टेंस के बारे में बातचीत की जा रही है और एक बातचीत की जा रही है टाइम के बारे में। तो इसका जो ये आखिरी वाला सवाल है इसमें हम 2 कॉलम्स बनाएंगे, एक कॉलम की हेडिंग हम देंगे डिस्टेंस और वहाँ पे लिख देंगे किलोमीटर्स, और दूसरे कॉलम की हेडिंग दे देंगे टाइम और वहाँ पे लिख देंगे मिनट्स। तो अभी क्या इन्फॉर्मेशन है कि ट्रक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 14 किलोमीटर्स ट्रैवल किया 25 मिनट्स में। तो डिस्टेंस की जगह 14, टाइम की जगह 25। अब आगे क्या पढ़ो भाई सवाल को, आगे क्या बोल रहा है, स्पीड रिमेन्स द सेम, मतलब ड्राइवर कहीं तेज गाड़ी नहीं चला रहा है, कहीं कम नहीं कर रहा है, जैसा स्टार्टिंग में था वैसे ही अभी है। बट अब आप ये बताओ कि अगर ड्राइवर 5 घंटे तक ट्रैवल करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो यानी कि मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो मैंने डिस्टेंस को एक्स ले लिया, लेकिन टाइम की जगह डंकीज के जैसे 5 मत पुट करना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 5 आवर्स और हमने जो चार्ट बनाया है उसमें हमारे टाइम के यूनिट क्या है, मिनट्स।
तो इसका मतलब ये जो 5 आवर्स आपने निकाला है आप इसे मिनट्स में कन्वर्ट करिए. कैसे? 5 × 60 यानी कि 300 मिनट्स. इसका आंसर कितना आएगा? 300 मिनट्स. तो यानी कि यहाँ पे हम टाइम की जगह क्या लिखेंगे? 300. ठीक है. सो देयरफोर अब आपको क्या करना है? क्रिस क्रॉस करना है. ये इस तरीके से, ये देखो, ये ऐसे क्रिस क्रॉस कर दो, एक्स की वैल्यू आ गई, बस हो गया. ठीक है. तो बस देखो, ये ध्यान रखना, ये जो एंटायर आपकी एक्सरसाइज थी इसमें यही मायने रखता है कि क्वेश्चन को आप रीड करके चार्ट आप कितने अच्छे से बना पाते हैं. ठीक है, राइट. आप चार्ट कितने अच्छे से बना रहे हो, यूनिट्स कितने अच्छे से पुट कर रहे हो. हाँ, अभी देखो मैंने 13.1 की जो शुरुआत है वो डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 से की है. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने नहीं करवाया. तो हम लोग कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करेंगे. 1, 2, 3 के बेसिस पे आप लोग फिर कुछ ट्राई दिस वाले ऊपर के सवाल कर सकते हो, है ना, वगैरह वगैरह. तो इसका मतलब हम 13.1 को टोटल 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे. एक आज की क्लास जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 to 10 कवर किया, और एक कल की क्लास जिसमें हम 1, 2, 3 कवर करेंगे और कुछ ट्राई दिस वाले सवाल मैं तुमको दूंगी. दैट इज द टॉपिक ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन. डायरेक्ट प्रपोर्शन का सीधा सीधा मतलब होता है, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी भी घटेगी. इनवर्स में लेकिन ऐसा नहीं होता. इनवर्स में एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी वाली घटती है, उसके अपोजिट काम करती है, उल्टा. एकदम ढीठ होते हैं, क्या बोलते हैं, भग यहाँ से, मैं काम नहीं करूँगा तेरे जैसे, मेरे को तेरे जैसे काम नहीं करने का है, मैं अपने मर्जी से काम करूँगा अपने हिसाब से. तो क्या मैडम आप उसमें भी चार्ट बनवाएंगी, इनवर्स वाले में? हाँ, मैं इनवर्स वाले में भी चार्ट बनवाऊंगी. बट इनवर्स में जब हम चार्ट बनाते हैं ना, तो इनवर्स का चार्ट बनाना थोड़ा डायरेक्ट के चार्ट से अलग होता है, वहाँ बहुत दिमाग लगाना पड़ता है. खैर, तो क्या दिमाग लगाएंगे उस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे. फिलहाल इस डिस्कशन को यहाँ पे